प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और क्रिश्चियंस का, मसीहों का, ईसाइयों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो है बाइबल। हम लोग इसको इतना पवित्र मानते हैं कि इसके एक एक शब्द को लेने से पहले हमें सोचना पड़ता है, बोलने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि बाइबल में क्या लिखा है। और जब ये बाइबल लिखी गई और इसके लिखने से पहले जो लोग हैं वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इस बाइबल को लिखा है। हालेलुया। इसमें एक एक शब्द पवित्र है, एक एक वर्ड पवित्र है, और क्योंकि ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर इस धर्म ग्रंथ का रचयिता है। परमेश्वर की प्रेरणा से ये बाइबल लिखी गई है और इसका कोई भी शब्द अपशब्द नहीं है, इसका कोई भी शब्द मजाक बनाने वाला नहीं है। और कल 25 दिसंबर को जिन बॉलीवुड की 3 स्त्रियों ने एक पवित्र शब्द का मजाक बनाया, उसके लिए परमेश्वर उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। उसके लिए उन्हें 100% हाथ जोड़कर मसीह समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया वो शब्द है जो पवित्र शब्द है, जिसका अर्थ एक स्त्री ने वहां पर बताया भी है, जो जिनका नाम शायद फराह खान है, उसने बताया भी है कि उसका अर्थ है प्रेज द लॉर्ड, यानी कि परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की तारीफ हो। और एक स्त्री है जो अपने आप को बहुत बड़ी कॉमेडियन समझती है और अब उसे अपने ऊपर रोना पड़ेगा क्योंकि उसने एक ऐसा गलत काम कर दिया है, उसने, और किसी के साथ नहीं, किसी क्रिश्चियंस स्त्री या पुरुष के साथ नहीं, उसने सीधे परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ किया है। उसने पवित्र शब्द को अपवित्र कहा है, उसने गाली बोला है जो कि बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी भत्सरना करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये तीनों स्त्रियां, ये जो नकली चेहरा लेकर स्क्रीन पर आती हैं, ये नकली लोग हैं, ये सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं, सच्चाई को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी मिली जुली साजिश है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चैनल पर नहीं आता। इन तीनों ने मिलकर एक पवित्र शब्द का और पवित्र बाइबल का मजाक बनाया है। परमेश्वर इनको कभी भी माफ नहीं करेगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मसीही समाज बहुत शांत स्वभाव का समाज है और मसीह समाज में लोग प्रेम को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए मसीह लोगों की कहीं से भी खबर नहीं आती कि किसी के साथ लड़ाई कर लिया, किसी पर हमला कर दिया या किसी को मार दिया। हमारे चर्च तोड़े जाते हैं, हमारी बाइबल जलाई जाती हैं, हमारे जो धर्म गुरु हैं, पास्टर लोग हैं, उनको मार दिया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, तब भी हम लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब बाइबल की बात आती है, जब पवित्र वचन की बात आती है, जब पवित्र शब्दों की बात आती है, वहां पर ईसाई समाज चुप नहीं रहेगा। हालेलुया, नहीं रहेगा। ये कोई खेल या मजाक नहीं है, ये आपकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि आपने पढ़ दिया और लोगों को हंसा दिया, लोगों ने ताली बजाई और आप खुश हो गए। हालेलुया। इन तीनों स्त्रियों ने परमेश्वर के वचन का मजाक बनाया और इस पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतनी हद तक गिर गए कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को, बाइबल को इतना छोटा बना दिया, इतना अपने
लालच के लिए, अपने पैसे के लिए पवित्र बाइबल को खींचकर हंसी मजाक में लेकर आ गए और उसको भी अपना एक हिस्सा बना लिया। लेकिन परमेश्वर इन औरतों को कभी माफ नहीं करेगा। ये नहीं जानते कि आज ये जिस मुकाम पर हैं, ये परमेश्वर के ही कारण है, ये परमेश्वर के ही कारण है, अन्यथा ये यहां तक नहीं पहुंचती। हालेलुया। इन्होंने परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ किया है और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, और वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएगा वो ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। हालेलुया। और इन लोगों ने, इन तीनों स्त्रियों ने बहुत से लोगों के सामने परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया, परमेश्वर के वचन को ठट्ठे में उड़ाया, एक पवित्र शब्द को इन्होंने अपवित्रता करके दिखाया है। और खास तौर से वो भारती जो अपने आप को बहुत बड़ी कॉमेडियन समझती है, आज समाज उसके ऊपर हंसेगा, आने वाले दिनों में वो इसका अंजाम देखेगी जब परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हालेलुया। ये लोग नरक की ओर चल चुके हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई चंद्र जी का, जिन्होंने अपने मैसेज में लिखा है कि ये लोग नरक के लिए इन्होंने अपने टिकट कटवा लिए हैं। और बहन जो नीतू हैं, उन्होंने उनका भी मैसेज मैंने देखा, वो भी बहुत गुस्से में है। पूरा ईसाई समाज, पूरा मसीह समाज इस समय बहुत गुस्से में है, क्योंकि इन तीनों स्त्रियों ने क्या किया है, परमेश्वर के वचन के को मजाक बनाया है, परमेश्वर के वचन को खिलवाड़ बनाया है, परमेश्वर के पवित्र शब्द जिसको हम बड़े आदर के साथ लेते हैं, जिसको हम परमेश्वर की तारीफ के लिए यूज करते हैं, जिसको हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द को, उस हालेलुया को इन स्त्रियों ने एक ऐसे नाम से संबोधित किया है, जैसे कि उस स्त्री ने बताया जो वहां पर हरे कपड़े पहनकर खड़ी है, उसने कहा कि ये तो गाली है। हालेलुया। वो ये नहीं जानती कि उसने मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से पंगा लिया है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर इन बातों का बदला जरूर लेगा, जरूर लेगा। हालेलुया। अगर वो चाहती हैं कि परमेश्वर के प्रकोप से बचें, तो इन तीनों को हाथ जोड़कर उसी चैनल पर आकर मसीह समाज से, खास तौर से परमेश्वर से माफी मांगनी पड़ेगी। उन्हें परमेश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहना पड़ेगा, हे प्रभु यीशु मसीह, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए और अपना भड़का कोप हम पर से हटा लीजिए। हालेलुया। ये गलती उनको माननी पड़ेगी, अन्यथा जैसा मसीह समाज है, शांत स्वभाव के हम लोग हैं, प्रेम भाव के हम लोग हैं, हम प्रेम बांटते हैं, और जब हम देखते हैं कि ग्राम स्टेन्स को उनके दोनों बच्चों के साथ जला दिया जाता है उड़ीसा में, तो उनकी पत्नी दारा सिंह को माफ कर देती है। ये है ईसाई समाज। हम तलवारें और लाठियां लेकर, त्रिशूल लेकर लड़ने के लिए नहीं चल देते, हम हाहाकार नहीं मचाते, हम घरों को नहीं जलाते, हम गाड़ियों को नहीं फूंकते, हम प्रेम से सह लेते हैं, हम प्रेम से अपने न्याय को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, और हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है। हालेलुया। हमारे वचन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये स्त्रियां जब वहां पर स्टेज पर खड़ी थी, उन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन का मजाक उड़ाया। इनकी इतनी हिम्मत, इनकी ऐसी औकात नहीं कि ये परमेश्वर के वचन के साथ मजाक कर सके, उसका खिल्ली उड़ा सके। हालेलुया। ये अपने आप को देखिए, ये नकली लोग हैं, ये नकली हैं जो चेहरे पर अपने रंग पोत कर स्टेज पर खड़े हो जाते हैं और लोगों को हंसाने का या उनको अपने नाटक दिखा दिखा कर अपना पैसा कमाते हैं। इन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है परमेश्वर की दृष्टि में, और इस गुनाह की सजा परमेश्वर इनको अवश्य देगा। हालेलुया। अगर ये चाहते हैं कि परमेश्वर के प्रकोप से बचें, अगर ये चाहते हैं कि परमेश्वर के दंड से बचें, तो इन तीनों को माफी मांगनी पड़ेगी, इन तीनों को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर ये माफी नहीं मांगेंगी, तो एक बात याद रख लीजिए, जब दाऊद, मूसा जब इसराइलियों के साथ खड़ा था, तब उसने एक वचन कहा कि मैं आपको पढ़कर बताता हूँ वहां पर क्या लिखा है। निर्गमन 13 अध्याय और उसकी 14 आयत में मूसा ने कहा कि हे लोगों, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, उन्हें कभी ना देखने पाओगे, क्योंकि परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब चुपचाप रहने का समय नहीं है, अब उन लोगों को बता देने का समय है कि आप गलत हो, आप क्षमा मांगो परमेश्वर से, आप अपनी गलती का रिपेंट करो, आप घुटने के बल आओ, आप रो,
रो आप लोग, आपको रोना पड़ेगा, आपको अपनी गलती की माफी मांगनी पड़ेगी, आपने मनुष्यों के साथ नहीं, ईसाइयों के साथ नहीं, ईसाई समाज के साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया है, परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ किया है। एक हालेलुया शब्द जो परमेश्वर के जो लोग हैं जो बहुत पवित्रताई से उस शब्द को लेते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए उसको यूज करते हैं, परमेश्वर के तारीफ के लिए उस शब्द को यूज करते हैं, उस शब्द को इन स्त्रियों ने मजाक बनाया है। हालेलुया, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आप तीनों का मजाक बना दे। हालेलुया, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आप तीनों का मजाक बना दे। ध्यान रखिए, आप माफी मांग लीजिए, अभी भी समय है, आप माफी मांग लीजिए परमेश्वर से। मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप मनुष्यों को खरीद सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको सब कुछ उलट पुलट कर सकते हैं, कर सकता है, आपका सब कुछ उलट पुलट कर सकता है परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। हालेलुया, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। और याद रखिए, आप तीनों, चाहे भारती सिंह हो, चाहे रवीना टंडन हो, चाहे फराह खान हो, आप तीनों परमेश्वर के हाथों में पड़ चुकी हैं, और ये बहुत भयानक बात है आप तीनों के लिए। अगर आप इन बातों से बचना चाहती हैं तो आप परमेश्वर से माफी मांगिए, परमेश्वर के सामने आकर रोइए अपने गुनाह पर, अपनी गलती पर। ये छोटी सी गलती नहीं है, आपने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी सजा नरक है, जिसकी सजा नरक है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। हालेलुया, ये मसीह समाज शांति प्रिय समाज है, ये मसीह समाज प्रेम भाव का समाज है, ये किसी से लड़ाई करके राजी नहीं, ये किसी को मार कर राजी नहीं, हम लाठी डंडे लेकर नहीं चलते, हम आग जनी नहीं करते, हम दंगे फसाद नहीं करते, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हम सेवा वाले लोग हैं। हॉस्पिटल में जाइए, ज्यादातर नर्सें क्रिश्चियन मिलेंगी। हालेलुया, आप जाइए, जो भी प्रभु के लोग हैं वो गरीबों में काम करते हैं। आप मदर टेरेसा को जानते हैं, आप ग्रहम स्टेन्स को जानते हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर के लोग जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े काम करता है, लेकिन आज आपने उन लोगों के परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया है, आपने उन लोगों के वचन के साथ खिलवाड़ किया है, आपने उस पवित्र वचन को अपवित्र किया बताया है, जिसको मसीही लोग, मसीह समाज के लोग बहुत ही पवित्रता से लेते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए लेते हैं। हालेलुया शब्द जिसका अर्थ है परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, जिसका अर्थ है प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आप तीनों को परमेश्वर से अगर भय है तो आप घुटने के बल आइए और माफी मांगिए परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर आपको माफ करे। लेकिन माफ करना ही काफी नहीं है, आपको वायदा करना पड़ेगा कि आज के बाद आप बाइबल के खिलाफ कोई भी बात नहीं बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आमीन, और बताइए इन लोगों के विषय में कि आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर इनके साथ करें। हम मसीह समाज क्षमा करने वाला समाज है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम माफ करें। हम उनको माफ कर चुके हैं, लेकिन जो गलती उन्होंने की है उसकी गलती की सजा परमेश्वर उनको अवश्य देगा। क्या परमेश्वर उन्हें माफ करेगा? अब ये सवाल यही उठता है। हम ध्यान दें इस बात के ऊपर कि इन तीनों स्त्रियों ने कैसा ठट्ठा उड़ाया है, कैसे हंस रहे थे लोग वहां पर, जब वो स्त्री कह रही थी कि हालेलुया का अर्थ है कोई गाली होगा। हालेलुया, ये कितनी गलत बात है। इन तीनों को माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी पड़ेगी, और ये माफी मांग लें तो इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।